गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप लाइटरूम ऐप का यूज़ करके अपनी फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का कलर ग्रेडिंग कर सकते हो एंड अपनी फोटो को ऐसा एडिट कर सकते हो। देख पा रहे हो कि इस फोटो में फेस कितना मस्त है, स्मूथ है एंड बैकग्राउंड कलर देख लो भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ना। इस तरीके की फोटो एडिटिंग करना एकदम आसान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आप 100% इस तरीके की फोटो एडिट करना सीख ही जाएंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक ऐसा तरीका भी बताया है जिससे आप अपनी फोटो को सिर्फ एक क्लिक में ही एडिट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ, तो गाइस देख पा रहे हो कि हम अपनी फोटो को यहाँ लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लिए हैं। एंड लाइटरूम ऐप के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले अपनी फोटो के अंदर ना हम लाइट के एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए हम इस लाइट वाले टूल पर क्लिक करेंगे एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का लाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये देखो बिफोर एंड ये देखो आफ्टर। ये फोटो के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा लाइट आ चुका है तो हमें ना फोटो के अंदर थोड़ा कम लाइट रखना है, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ लाइट वाले टूल पे एंड एक्सपोजर को माइनस साइड रखेंगे, ठीक है। -5 मैंने कर दिया। बाकी आपको हाईलाइट्स को कम रखना है, वाइट्स की भी वैल्यू आपको कम कर देनी है लगभग इतना। एंड इतना अभी देखो परफेक्ट लग रहा है। ये देखो बिफोर एंड ये देखो आफ्टर। फोटो देख पा रहे हो पहले से ज़्यादा डार्क टोन में आ गई है। अब गाइज आपको यहाँ से इफेक्ट्स टूल के अंदर जाना है। यहाँ से DH की वैल्यू बढ़ा देंगे +10 के आसपास एंड विग्निट की वैल्यू माइनस कर लेंगे -12 के आसपास एंड यहाँ क्लैरिटी को बढ़ा के +10 कर लेंगे एंड टेक्सचर को -4 कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइज अब आपको मिड पॉइंट को भी यहाँ पे कम करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एंड फेदर की वैल्यू बढ़ा देना है, ठीक है। अब गाइज फोटो के अंदर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का एकदम डार्क सा टोन आ गया है एंड फोटो दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। अभी आपको कलर वाले टूल के अंदर दोबारा से चलना है एंड गाइज अब आपको यहाँ टेम्प को बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। टेम्प देख पा रहे हो मैंने 16 के आसपास बढ़ा लिया। देन यहाँ टिंट को भी बढ़ा लेना है लगभग 12 के आसपास। अब गाइज देख पा रहे हो कि फोटो के अंदर कितना मस्त जो है लाइटिंग हो चुका है। अभी आपको जाना है मिक्स टूल के अंदर एंड आपको बता दें कि मिक्स टूल लाइटरूम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिक्स टूल को नहीं समझते हो तो आप अपनी फोटो में कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे कलर्स को यहीं से मैनेज करना है हमें और मिक्स टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्स टूल के बिना तो कोई एडिटिंग हो ही नहीं सकता। आपको सबसे लास्ट में जाना है एंड इसका सेचुरेशन पूरा -100 कर देना है, ठीक है। इन दोनों का सेचुरेशन -100 कर देने के बाद आपको यहाँ से ये ब्लू कलर लेना है। ब्लू कलर का भी -100, एक्वा कलर है इसका भी -100 एंड ग्रीन कलर है इसकी ह्यू को पूरा लेफ्ट साइड की तरफ करना है एंड इसका भी -100, ठीक है। गाइज इतना हो जाने के बाद अब आपको येलो कलर लेना है, इसका भी ह्यू पूरा लेफ्ट साइड की तरफ कर देना है एंड इसका भी सेचुरेशन कुछ इस तरीके से पूरा -100, ठीक है। लुमिनेंस इसका -6 कर लेना है, वैसे ग्रीन का भी लुमिनेंस -6 कर लेंगे। अब गाइज आपको ऑरेंज कलर में जाना है, ऑरेंज का सेचुरेशन कुछ इस तरीके से कम करना है, ठीक है। ऑरेंज का सेचुरेशन जैसे आप कम करोगे आपका स्किन पहले से ज़्यादा वाइट होता जाएगा, फेयर होता जाएगा एंड यहाँ से हम लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब गाइज आपको रेड कलर लेना है एंड रेड का सेचुरेशन ऐसे आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का टोन जो है आ गया। आप देख पा रहे हो, ये देखो बिफोर एंड ये देखो आफ्टर। गाइज अभी हमें इस फोटो के अंदर ना दूसरा कलर डालना है, इसके लिए हम जाएंगे इस कलर वाले टूल के अंदर। यहाँ से जाएंगे ग्रेडियंट टूल के अंदर एंड ग्रेडियंट टूल के अंदर आने के बाद गाइज कुछ इस तरीके से कलर जो है हम डालेंगे। जो कलर ज़्यादा सही लगे वो कलर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। लाइक गाइज अब अगर हमें ये वाला कलर रखना हो तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देंगे। वैसे यहाँ पर हम हाईलाइट्स में भी सेम कलर को ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देख पा रहे हो हमने ये वाला कलर जो है फोटो के अंदर डाल दिया। इसको आप सॉफ्ट ब्लू टोन भी बोल सकते हो कुछ इस तरीके से। हम इतना रखते हैं इसकी अमाउंट एंड यहाँ से हम ब्लेंडिंग को बढ़ा देंगे एंड बैलेंस को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको ला देना है, वैसे इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ला देना है। फोटो के अंदर ना परफेक्ट ब्लू टोन जो है यहाँ पर डल चुका है। बाकी यहाँ से इसको डन करना है। अगर गाइज आपको लगता है कि आपका स्किन कम मतलब वाइट है तो आप इसको कम या ज़्यादा करके देख सकते हो लुमिनेंस को, मतलब यहाँ से सेचुरेशन को। इतना हमें तो ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, बाकी यहाँ से इसको हम डन कर लेंगे। अब गाइज आपको जाना है यहाँ से डिटेल वाले टूल के अंदर। यहाँ हम शार्पनिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे। शार्पनिंग की वैल्यू हम लगभग 57 के आसपास रख लेंगे। नॉइज रिडक्शन को लगभग 29 के आसपास बढ़ा देना है, और ज़्यादा आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। यहाँ से कलर नॉइज रिडक्शन भी बढ़ा देंगे, डिटेल्स की वैल्यू बढ़ा देंगे, यहाँ भी डिटेल्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब गाइज आपको इस ऑप्टिक्स वाले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को सिंपल से ऑन कर लेना है। अभी मैं आपको एक बार फोटो का बिफोर एंड आफ्टर दिखा दूँ। ये देखो बिफोर, ये देखो फोटो का बिफोर एंड ये देखो आफ्टर। तो गाइज देख पा रहे हो कितना मस्त तरीके से यहाँ एडिट हो गया है, मतलब कि इस तरह के फोटो एडिटिंग करने में टाइम भी नहीं लगा एंड इतना अच्छे तरीके से एडिट भी हो गया है।
अब गाइस कुछ भी नहीं करना, जस्ट इस फोटो को यहाँ सेंड पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेंगे। ये फोटो हमारी गैलरी के अंदर इजीली सेव हो जाएगी। एंड ये वीडियो 3-4 मिनट का ही हुआ, आप इतना देर में ही सीख गए। सो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।